हेलो फ्रेंड्स, मैं ईशु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल लेट्स डू समथिंग न्यू में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये एकदम क्रिस्टल क्लियर रेजिन राखीज। इसके अंदर हमने ऐड किए हैं अपने भाई और भाभी के नाम, उनके नाम के अल्फ़ाबेट्स। तो बहुत सारे इसमें अलग अलग मैंने मटीरियल्स भी यूज़ किए हैं, जैसे मैंने स्टोन चेन, पर्ल चेन, माइक्रो बीड्स और अलग अलग तरह से इनको सभी को देखिए। आप देख रहे हैं कि मैंने अलग अलग तरीके से बनाया और डेकोरेट किया है। और आज के वीडियो में एक बहुत ही ट्विस्ट है बड़ा सा, तो उसको मिस मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स पहुँचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का वीडियो शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए होगा इस तरह का एक सिलिकॉन मोल्ड। ये मोल्ड मैंने लिया है अमेज़ोन से, तो आप भी अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से या कोई लोकल क्राफ्ट स्टोर से आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास हैं ये कुछ पर्ल चेन, स्टोन चेन, तो इस तरह की चेन्स भी आपको इजीली किसी भी क्राफ्ट शॉप से मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम इन पर्ल चेन्स को और जो बीडेड चेन्स हैं, स्टोन चेन्स हैं, उनको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, अपनी कैविटी के अकॉर्डिंग हम सेट कर लेंगे। कट करके मैंने पहले ही रख ली थी क्योंकि बाद में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है अगर मैं हर एक चीज़ में आपको डिटेल में दिखाऊंगी। तो ये कुछ मेरे पास माइक्रो बीड्स हैं, तो इन बीड्स को भी हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो किस तरह से हम डेकोरेट करेंगे इनको धीरे धीरे मैं आपको बताती रहूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने ये चेन्स लगा ली हैं, अब इसके अंदर हम ये ऐड करेंगे अपने अल्फ़ाबेट्स। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये भी आपको स्टेशनरी की शॉप पे इजीली मिल जाएंगे। तो ये प्लास्टिक के होते हैं बेसिकली, ऊपर गोल्डन कोटिंग होती है और ये सेल्फ एडहेसिव होते हैं, तो ये चिपक जाते हैं इजीली कहीं पर भी। तो इनको एक एक करके निकाल लेंगे और इस तरह से क्लीन कर लेंगे, जो इसके इधर उधर हमें लगेगा कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ पार्ट है। तो क्लीन करने के बाद इस तरह से हम अपनी सारी कैविटीज़ में अपने पसंद के अल्फ़ाबेट्स को जो है वो इस तरह से रख लेंगे। तो इस तरह के डाई कटआउट्स भी आते हैं वुडन वाले, आप चाहो तो वो ले सकते हो, लेकिन ये बहुत ही अच्छे शाइन वाले होते हैं और बहुत ही चीप एंड बेस्ट होते हैं, तो इजीली अवेलेबल हैं। सबसे इनकी ख़ास बात ये है कि ये आपको स्टेशनरी शॉप पे भी मिल जाएंगे। तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स हम सारी कैविटीज़ में इस तरह से डाल लेते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें मैंने दो अल्फ़ाबेट डाले हैं, ये मैंने अपने भैया और भाभी के नाम के अल्फ़ाबेट डाले हैं। तो अब हम कुछ बीड्स लेते हैं, उनको ये जो ब्रो वाला पार्ट है इसमें हम भर देते हैं। अब हम करेंगे इसके ऊपर अपनी रेजिन पोर। तो ये रेजिन मैंने टू पार्ट क्लियर रेजिन ली है, वन पार्ट मैंने हार्डनर लिया। उन दोनों को मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया 4-5 मिनट के लिए, और फिर उसको 5 मिनट के लिए मैंने रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया। तो ये एकदम बबल फ्री क्रिस्टल क्लियर रेजिन बन गई है। तो ये रेजिन मैंने ली थी इट्सी बिट्सी के ऑनलाइन स्टोर से, लिटिल बर्डी की ये रेजिन है। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया कि अपना जो अल्फ़ाबेट इसके अंदर रखा था उसको मैंने निकाल लिया और अपनी रेजिन इसके अंदर मैंने डाल दी। आप देख रहे होंगे कि इसमें अल्फ़ाबेट पहले नहीं था, पहले चेन थी, तो मुझे इसमें चेन नहीं डालनी थी। मैं अल्फ़ाबेट वाली राखियाँ बना रही हूँ, तो मैं अल्फ़ाबेट ही इसमें डालना पसंद करूँगी। तो ये देखिए, सिंपली हमें इसमें थोड़ी सी रेजिन डालनी है और उसके ऊपर हम ये अल्फ़ाबेट डालेंगे। इसका रीज़न ये है कि ये सेल्फ एडेसिव हैं जितने भी अल्फ़ाबेट हैं मेरे, तो अगर मैं इनको इसी तरह से पहले ही चिपका रहने दूंगी और इसके ऊपर रेजिन डाल दूंगी तो होगा क्या कि रेजिन की कोटिंग जो है बिल्कुल नीचे नहीं जा पाएगी, है ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इनको एक बार मोल्ड से रिमूव करना पड़ेगा अल्फ़ाबेट्स को। लेकिन मैंने सारे अल्फ़ाबेट पहले इसलिए रख लिए थे ताकि हमें थोड़ा आइडिया आ जाए कि हम कौन कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा, या किस में कौन सा अल्फ़ाबेट हमने किस तरह से लगाना है। तो सारे अल्फ़ाबेट, सिर्फ मैं अल्फ़ाबेट हटा रही हूँ, कोई भी पर्ल चेन या स्टोन चेन में नहीं हटा रही, क्योंकि इनके साथ में गैप्स होते हैं चेन्स में, तो वो ऑटो फिल हो जाएगी रेजिन उसमें। ये सेल्फ एडेसिव होने के कारण मैंने इसको हटाया है, अदरवाइज इसको भी हटाने की ज़रूरत नहीं थी। तो इनकी डायरेक्शन आप देख रहे होंगे आर की और एम की, मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी है। इसका रीज़न आपको वीडियो में पता चल जाएगा धीरे धीरे, वीडियो पूरा देखिएगा, मैंने स्किप किए।
तो बाकी की रेजिन भी हम इसके ऊपर अच्छे से फिल कर देंगे। ओवरफ्लो होने से बचाइएगा। तो अब हमारी जो बाकी चीजें हमने कहा था कुछ और ऐड करेंगे, तो वो हैं ये माइक्रोबीट्स। तो ये देखिए एम के दोनों साइड मैंने ये रेड कलर के बीट्स डाल दिए हैं और इनको सिर्फ कॉर्नर्स में मैं सेट कर रही हूँ और सेंटर में मेरा जो अल्फाबेट है वो रह जाएगा। इन अल्फाबेट्स को भी आपको दो एक बार सेट करना पड़ेगा क्योंकि रेजिन में ये फ्लोट होने लग जाते हैं, तैरने लग जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनको सेट करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए बार बार। तो ये देखिए हमने सेट कर लिया है इसको। तो अब हम जो है वी में भी अपने थोड़े से रेड जो बीड्स हैं वो डाल रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सारे नहीं डाले इसमें, देखिए मैंने बहुत कम डाले हैं क्योंकि ये जो वी वाला मेरा कैविटी है इसमें कट्स हैं। देखिए जो कट्स हैं बस इसके अंदर मैंने एक एक मोती को एक तरह से एडजस्ट कर दिया है, तो ये बहुत ही सुंदर बनेगी जो बनने के बाद देखिएगा कितना अच्छा इसका लुक आने वाला है। तो अब हम लेंगे कुछ ग्रीन बीड्स, तो इनको हम डाल देंगे डी में। मैंने खूब सारे ग्रीन बीड्स जो हैं ये देखिए मैं डी में डाल रही हूँ खूब सारे। आप देखोगे कि मैंने ऐसे ही डाल दिए रैंडमली, तो कोई बात नहीं, टूथपिक की हेल्प से हम उसको डी के ऊपर से हटा देंगे और सिर्फ चारों तरफ ही हम डी के चारों तरफ इसको अच्छे से फैला देंगे। तकरीबन वो ऐसा लगेगा जैसे डबल चेन मोतियों की डाली हुई है डबल करके। तो देखिएगा बहुत ही सुंदर ये भी राखी हमारी बनेगी। टूथपिक की हेल्प से आपको एक एक मोती को अच्छे से रेजिन के अंदर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें होल होते हैं, तो उन होल्स के अंदर भी रेजिन फिल होनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो बबल्स बन जाएंगे। तो इसलिए धीरे 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 मैं ये टूथपिक की हेल्प से एक एक मोती को जो है वो बिठा रही हूँ नीचे की तरफ, एडजस्ट करना ज़रूरी है। रेजिन का काम बहुत ही प्यार वाला और आहिस्ता करने वाला काम है, जल्दबाजी में आप रेजिन का काम मत कीजिएगा। जब आपके पास अच्छा खासा खुला टाइम हो तब आप ये काम लेके बैठिए, और ऐसा नहीं कि आप बिगनर हैं तो आपसे ये बन नहीं पाएगा। पेशेंस रखिए, सारे मेरे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सारे अलग अलग वीडियोस में मैंने अलग अलग बातें शेयर की हैं रेजिन को लेकर, तो आप ज़रूर से सारे वीडियोस चेक कीजिएगा। मेरी रेजिन प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको देखिएगा। तो इसमें हमने देखिए पिंक कलर के बीड्स डाले हैं, अब पी में हमने ये रेड कलर के बीड्स डाले हैं, वो भी फैला देंगे हम इस तरह से। और आर वाले कैविटी में हम दोनों कलर के बीड्स डाल रहे हैं, आधे रेड और आधे ग्रीन। तो इसके ऊपर अगर हमें ज़रूरत है तो थोड़ी सी रेजिन हम इसके ऊपर और पोर कर देंगे, देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। तो थोड़ी थोड़ी रेजिन पोर करने के बाद जहां आपको लगे कि बबल्स निकल रहे हैं तो वहां से बबल्स को रिमूव करने के लिए लाइटर की हेल्प ज़रूर लीजिएगा क्योंकि बबल निकालने का सबसे बेस्ट वे यही है। तो इसको अब हम 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल बिना हिलाए डुलाए सूखने के लिए। तो ये देखिए 24 घंटे हो गए हैं और हमारी रेजिन एकदम से सेट हो गई है। चलिए इसको डीमोल्ड करते हैं और ये देखिए कितना प्यारा हमारा जो है राखी बनकर रेडी हुई है, कितनी अच्छी क्रिस्टल क्लियर इसकी लुक है और ऊपर बीड्स एकदम से अलग ही चमक रहे हैं, कितना 3D लुक है इनका, देखिए लग रहे हैं ना बहुत ही सुंदर। फ्रेंड्स वीडियो अभी यहीं पे कंप्लीट नहीं हुआ है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि एक बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट है वीडियो में, तो जब आप वीडियो देखेंगे नहीं तो ट्विस्ट कैसे पता चलेगा, है ना। तो देखते रहिए वीडियो, एक एक करके हम अपनी सभी राखियाँ बनाएंगे भी, मैं आपको बताऊँगी कि आप अलग अलग तरीके से राखियाँ कैसे बना सकते हैं। शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली राखी। तो इसके लिए मैंने ये दो गोल्डन कलर के इस तरह के जो डोरी होती है गोल्डन डोरी ये ली है, और पहले हम इसको इस तरह से इस छेद के अंदर से डाल लेंगे और पूरी नहीं निकालेंगे, बस थोड़ी सी इस तरह से निकालेंगे। अब मेरे पास ये रेड कलर का ज्वेलरी थ्रेड, मैंने रेड कलर का ज्वेलरी थ्रेड इसलिए लिया है क्योंकि हमारे अंदर जो लेस है चेन है सॉरी वो रेड कलर की स्टोन चेन है, तो इसलिए मैंने ये रेड थ्रेड लिया है।
तो इस तरह से अब हम एक गैदरिंग नॉट इस पे लगाएंगे और यहाँ से इसको बांध देंगे ताकि थ्रेड हमारा निकल ना सके। ये देखिए, चिपकाने की जगह मैं बांधना प्रेफर करती हूँ धागों को, क्योंकि वो पक्का काम हो जाता है फिर। तो 5 से 6 बार हम इस धागे को घुमाएंगे और लास्ट में इस बचे हुए धागे को, ये जो आप लूप देख रहे हैं, इस लूप के अंदर से निकाल लेंगे। अब जो ऊपर की तरफ हमारा छूटा हुआ थोड़ा सा थ्रेड है ना रेड कलर का, उसको पकड़ के हम अच्छे से खींच लेंगे और नीचे वाला थ्रेड जो है वो इस स्पाइरल के अंदर चला जाएगा। इस तरह से हम इसको टाइट कर लेंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। और ये ज्वेलरी थ्रेड मेरा जो है वो नायलॉन का है, इसलिए हम थोड़ा सा इसके लाइटर की हेल्प से इसको क्लीन कर देंगे। ये चिपक भी जाएगा लाइटर की हेल्प से अगर हम इसको इस तरह से ऐसे करके चिपका सकते हैं। तो सेम इसी तरह से हम दूसरा थ्रेड भी इससे अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी प्यारी हमारी राखी बनकर रेडी हुई है। तो नेक्स्ट राखी ये देखिए मेरे पास है। ये आप सोच रहे होंगे ना मैंने दो इस पे अल्फाबेट लिखे हैं, तो मैंने बताया मेरे भाई और भाभी के नाम की मैंने ये राखी बनाई है। एक्चुअली मैं राखी नहीं, इसको लुम्बा बना रही हूँ। तो लुम्बा बनाने के लिए मैंने ये 4 लड़ियाँ मोतियों की बनाकर इस तरह से आपस में बांध ली, और ऊपर से ये सब रेडीमेड सामान मिल जाता है आपको, बने बनाए भी मिल जाएंगे इस तरह से। नहीं तो आप जो कोई पुराना झुमका आपके पास पड़ा हो, कई बार सिंगल पीस रह जाता है, गुम हो जाता है, या फिर आप क्विलिंग से भी इस तरह का कप बना सकते हैं। तो डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली 4-5 मोतियों की लड़ियां बनाइए और उनको इस तरह से एक बड़ा मोती ऊपर डाल लीजिए और फिर अपने इसके होल में से इस तरह से इसको निकाल कर नीचे टाइट कर दीजिए। और ऊपर हम इसके एक और जरी थ्रेड डाल देंगे जो कि हम अपनी बैंगल के साथ बांधते हैं, जब भाभी को गिफ्ट करेंगे तो वो इसको पहन सकेंगी। ये देखिए हमारा लुम्बा बनकर बिल्कुल रेडी है। अब थर्ड राखी बनाएंगे, वो हम ब्रिसलेट राखी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये गोल्डन चेन ली है। ये भी आपको ज्वेलरी फाइंडिंग्स जो है सब आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी मार्केट से, अमेजोन से, इट्सी बिट्सी से, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम दोनों साइड पे अपनी चेन अटैच कर लेंगे। इसमें मैंने हुक डाला है और दूसरी साइड पे मैंने इस तरह से 2-3 जंप रिंग्स डाल दिए हैं। वीडियोस देखिए, राखियां बनाइए आप भी। और फ्रेंड्स मैं फिर से कहूंगी, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये देखिए कितना प्यारा हमारा ये राखी ब्रेसलेट बन गया है। और अब बारी आती है उस ट्विस्ट की जो मैं आपको बहुत देर से बता रही हूँ। तो ट्विस्ट ये है कि आप इन राखियों को की चेन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में। राखी के बाद जब ये राखियाँ यूज़ हो चुकेंगी तो बस सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ से ये थ्रेड निकाल देने हैं और उसके अंदर इन थ्रेड्स की जगह आपको डाल देना है ये की चेन। तो ये की चेन जंप रिंग के साथ आप अपने भाई और भाभी को साथ में ज़रूर से गिफ्ट कीजिएगा, ताकि जब वो राखी के बाद इनको उतार दें राखियों को, तो वो इनको फेंके ना, बल्कि अपने नाम वाली, अपने अल्फाबेट वाली राखी को अपना की चेन बनाकर हमेशा के लिए अपने पास समेट कर सहेज कर रख सकें। तो कैसा लगा आपको मेरा ट्विस्ट, अच्छा था ना? तो ये देखिए सिंपली हम इसमें ये जंप रिंग डाल देंगे। तो कितना प्यारा ये लुम्बा राखी, कोई बता ही नहीं सकता कि ये एक राखी या एक लुम्बा था कभी। और कितनी प्यारे प्यारे ये की रिंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं, इसलिए मैंने आर को इस तरह से घुमा लिया था ताकि हम इसका की चेन बाद में बना सकें। तो इसके नीचे देखिए मैंने जैसे डबल थ्रेड डालकर बीड्स लगा दिए हैं, इसमें मैंने वुडन बीड डाल दिए हैं। तो अलग अलग तरीके से आप अपनी सारी राखियाँ जो हैं डेकोरेट कर सकते हैं। और राखियाँ बनाइए, भाई को गिफ्ट कीजिए। अगर आप ये राखियाँ नहीं बना सकते तो आप ये राखियाँ मुझसे परचेज़ भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पे इंस्टा हैंडल है मेरा
hishu.crafty। आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पर आप DM करके मुझसे ये राखियाँ ऑर्डर भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरी राखियाँ देखकर राखियाँ बना रहे हैं तो मुझे अपनी राखियाँ टैग ज़रूर कीजिए, मैं उसे अपनी स्टोरी में शेयर करूँगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक देखते रहिए लेट्स डू समथिंग न्यू। थैंक यू, बाय बाय।